फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ झींगा मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बनके बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे लिए झींगा, ये देखिए, ये आधा किलो मैं लेके आई थी। इसको साफ करके जो बचा वो ये है, ये बड़ा वाला झींगा है। अब हम लोग इसको मैरिनेट करेंगे। ये देखिए, इसमें डाल रही हूँ मैं नमक। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बड़ा बड़ा झींगा है। अब पता नहीं इससे भी बड़ा आता है या क्या, पर ये ठीक था। इसमें डाले नमक। अब डाल रही हूँ मैं हल्दी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है, नींबू हाफ, इससे जो भी स्मेल होता है ना फिश का वो ख़त्म हो जाएगा नींबू डालने से। ये देखिए, अब इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे प्रॉन पे मसाला बहुत अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। ये देखिए, हमारा प्रॉन रेडी है, अब मैरिनेट हो चुका है। इसको रख देंगे एक तरफ, तब तक हम लोग दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं ले ली हूँ प्याज, एक मिनी मोटा मोटा कटा हुआ प्याज है, थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ प्याज है, पतला पतला सा मोटा कटा हुआ टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, मेरे पास लहसुन पेस्ट था तो इसलिए मैं यहाँ पे लहसुन नहीं ली हूँ। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट नहीं है तो यहीं पे आप लहसुन डाल दीजिए 8-10 कली। और ये देखिए, ये जो मोटा मोटा चॉप करके रखे हैं, इसको ग्राइंड करना है हमें, सब एक चीज़ों एक साथ मिला के। ये देखिए, अब हम लोग इसको पीस लेते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे लिए कढ़ाई, उसमें डाले सरसों का तेल। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे जीरा। जीरा जब अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तो इसमें डालेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज, प्याज को अच्छे से पकाना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है हमारे प्याज को, लाइट गोल्डन करना है। ये देखिए, हमारा प्याज यहाँ पे गोल्डन होना शुरू हुआ है, थोड़ा सा और इसको करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का, जब बहुत अच्छा सा खुशबू आने लगे भुनने का तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे अपना जो पिसा हुआ मसाला है, प्याज टमाटर हरी मिर्ची अदरक वाला, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे हम लोग मसाले को। तेज फ्लेम पे हम लोग मसाले बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मसालों का पानी अच्छे से सूख चुका है। अब इसको चलाते हुए लगातार
अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला यहाँ पे ये भून चुका है, तो अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपना पाउडर मसाला, जो बेसिक मसाला होता है वो। इसमें डाल रहे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर मैं नहीं डाल रही क्योंकि मैरिनेशन में ऑलरेडी डाल चुके हैं और मसाले में हरी मिर्च, तो इसलिए। गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरीके से मसालों का भुनाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी डालने से होगा क्या कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुनेगा और एक इसमें एक अच्छा सा टेक्सचर आएगा। ये देखिए अब हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। नमक यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे ग्रेवी के हिसाब से, क्योंकि मैरिनेशन में हमारा नमक ऑलरेडी है। इसको ढक्कन लगाते हुए अच्छे से मसाला को भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, तो अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ प्रॉन्स। प्रॉन को मसालों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके भूनेंगे हम लोग 3 से 4 मिनट तक तेज आंच पे। ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ। ये जब अच्छे से भून जाए 3-4 मिनट हो जाए, तो इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 1-2 चम्मच। उसके बाद इसमें ढक्कन लगा के हम लोग स्लो आंच पे छोड़ देंगे। प्रॉन का खुद का पानी होता है, मॉइस्चर होता है, तो वो खुद अपना पानी रिलीज करेगा। इसको ढक्कन लगा के अभी हम लोग पकने देंगे, ये अपना सारा पानी रिलीज करेगा तब तक। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना सारा पानी प्रॉन छोड़ दिया है। ये देखिए ढक्कन फिर से हटा लेंगे। यहाँ पे हमारा प्रॉन गल चुका है, तो अब जो ये पानी है जो प्रॉन छोड़ा है, तो उसको तेज आंच करके लगातार चलाते हुए सुखा लेंगे और भून लेंगे। उसके साथ साथ भुनाई हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत हीक रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। और जब अच्छे से ये भून जाए, तो इसमें ऐड करेंगे अपना पानी ग्रेवी के लिए। आपको जिस हिसाब का ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप ऐड कर सकते हैं। प्रॉन जो पानी छोड़ा है उसको सुखाना बहुत ज़रूरी है, उसमें एक स्मेल सा होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रेवी के हिसाब से आप अपना पानी ऐड कीजिए। और यहाँ पे आप नमक ये सब चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप और डाल सकते हैं यहाँ पे नमक। ये देखिए अब इसको अच्छे से 2-3 मिनट पकने देंगे। ये देखिए 2-3 मिनट हो चुका है, हमारा प्रॉन देखिए कितना अच्छा बन चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मुझे इतना ही ग्रेवी चाहिए था, इससे ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए। तो अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरी मिर्च, हरा धनिया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें ऐड करेंगे आधा नींबू, मैरिनेशन में आधा नींबू ऐड किए थे और आधा अभी कर रहे हैं। और बस
एक से दो मिनट इसको दम पे रखेंगे। ये देखिए हमारा प्रॉन कितना अच्छा से तैयार हो चुका है। बस चूल्हा करेंगे बंद और ये मैं आप लोगों को सर्व करके दिखा रही हूँ, ये रोटी और प्रॉन है। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूंगी किसी और नई वीडियो के साथ।